शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभिन्न फसलों पर लगातार रिसर्च करता रहा है ताकि किसानों को अधिक पैदावार मिल सके। चावल, गेहूं, मक्का, दालों और सब्जियों की उन्नत किस्में तैयार करने के क्षेत्र में सुकास जम्मू ने काफी उपलब्धियां अर्जित की हैं। यूनिवर्सिटी के चट्टा मेन कैंपस में एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है जहां फसलों की उन्नत किस्में तैयार की जाती हैं। इस पार्क के संबंध में यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर जेपी शर्मा ने कहा। सर, ये जो सुकास द्वारा जो रिसर्च के लिए टेक्नोलॉजी पार्क जो एस्टेब्लिश किया गया है, इसका पर्पज़ क्या है और ये किसानों के लिए किस तरह लाभदायक है, इसके बारे में जानकारी देंगे। टेक्नोलॉजी पार्क, जैसे इसका नाम ही है कि पार्क, आपको पता होगा कि आजकल जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ऐसे कंसेप्ट चलाए हैं जैसे कि फूड पार्क, वहाँ पर जो है फूड के बारे में नई नई टेक्नोलॉजी क्या है या नई डिशेज़ क्या हैं वो बताए जाते हैं। वुमेन पार्क टेक्नोलॉजिकल पार्क हैं, इसी तरह से ये फार्म टेक्नोलॉजी पार्क है जो किसानों के लिए है। यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी का हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि अगर हमारे किसान इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो 25 से लेकर के 50% तक उनको अपने फार्म पे प्रॉफिट हो सकता है। तो डबलिंग फार्मर इनकम की यहाँ तक बात है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है कि 2022 तक हमने किसानों की आय को दोगुना करना है। तो ये टेक्नोलॉजी खास करके जैसे यहाँ पर हम ऑर्गेनिक राइस के ऊपर बता रहे हैं, ऑर्गेनिक वीट के ऊपर बता रहे हैं, जीरो टिलेज, डायरेक्ट सीडेड राइस, तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। और ये सिर्फ फसलों से ही नहीं बल्कि जो अगर डेयरी का हमारे किसान को काम करते हैं तो हमने ऐसी ऐसी जो कहते हैं कि एनिमल्स के लिए हमने न्यूट्रिएंट ब्रिक्स तैयार की हैं, या अगर वो किसान हमारे अपने एनिमल्स को डेयरी एनिमल को खिलाते हैं तो उससे जो दूध की प्रोडक्शन है वो करीब 25 से 30% ज़्यादा हो सकती है। जो हमारे एनिमल हैं उनको बीमारियां कम लग सकती हैं। दूसरा ये है कि हमारी ऐसी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि जो हमारे फार्म के ऊपर जो वेस्ट होता है वो वेस्ट जो फेंका ना जाए उसको रिसाइकिल किया जाए। तो कैसे रिसाइकिल किया जाए, कंपोस्ट कैसी बनाई जाए, तरह तरह की कंपोस्ट कैसे बनाई जा सकती है, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है यूनिवर्सिटी के पास हैं। तो ये टेक्नोलॉजी पार्क जो हमने बनाया है वो ये इसलिए बनाया है कि जब भी किसान हमारे यहाँ पर कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आते हैं या बहुत सारे स्कूल के बच्चे जो यहाँ पर जब विज़िट करने के लिए आते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी टेक्नोलॉजी हैं, ताकि वो ये देख सकें कि कैसे हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो नई नई जो टेक्निक इनोवेटिव टेक्निक्स कैसे इवॉल्व कर रही है। और अगर हमारा किसान इनको अडॉप्ट करता है तो अडॉप्ट करने से जैसे मैंने कहा कि 25 से 30% तक का फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा। टेक्नोलॉजी पार्क में तैयार की जा रही किस्मों के बारे में एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर बीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा। हमारे साथ हैं शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर बीसी शर्मा जी, जो हमें टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में थोड़ा बताएंगे और यहाँ लगी जो फसलें हैं उनके बारे में हमें जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब, ये क्या इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो डायरेक्टर साहब ने हमें बताया, थोड़ा आप हमें बताइए कि क्या कंसेप्ट है और क्या है। बेसिकली हमारे सुकास्ट जम्मू में ये जो टेक्नोलॉजी पार्क का कंसेप्ट है, हमारे फार्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर पीके शर्मा जी, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था और उनके साथ हमारे डायरेक्टर रिसर्च जो जिन्होंने अभी आपको इस टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बताया। तो पर्पज़ ये था कि फार्मर जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हमारे डिवीज़न अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग जगह पे हमारी ये टेक्नोलॉजी डिस्प्ले था, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक ही जगह पे हो। तो मेन कंसेप्ट ये है कि अगर फार्मर आता है तो उसको एक ही जगह पे जो हमारी रेडी टू टेक ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका हम डिस्प्ले करें, ताकि फार्मर को एक ही जगह पर हर चीज़ जो है उसको बताई जा सके और अच्छे ढंग से, और वो देख के इसको, क्योंकि कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, जो चीज़ देखी जाती है उससे फार्मर ज़्यादा कन्विंस होता है। तो ये कंसेप्ट से हमारे वाइस चांसलर साहब ने इसको 2017 में स्टार्ट किया था, 2018 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी और अब ये हमारा तीसरा साल इसमें चल रहा है। और पिछले साल को 5000 फार्मर ने और डिग्निटरीज जो डिफरेंट हमारे कंट्री से आए उन्होंने इसको विज़िट किया था और उन्होंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया, ये बहुत अच्छा एक एफर्ट है। तो इसमें हमने टेक्नोलॉजीज और डिस्प्ले की हैं। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, आजकल एक नया कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर उसके साथ एक ये चीज़ जुड़ी होगी, एकदम फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाए तो क्या होता है कि यील्ड जो है कम हो जाता है। आप इस क्रॉप को आप देख रहे हो, ये हमने अब इसका तीसरा साल है इस क्रॉप का और ये हमने प्योरली ऑर्गेनिक, इसमें हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है और ये हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की एक वैरायटी है बासमती राइस की ORO09,
और इस वैरायटी का हमने जो टेस्ट किए हैं 50 क्विंटल पर हेक्टेयर तक हमने इसका यील्ड, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 50 से भी ऊपर जाएगी। तो इससे ये है कि अगर कोई फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहे, वो फार्मर जिनके पास थोड़े रिसोर्सेज हैं, ज़मीनें कम हैं तो, और वो ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहें, तो वो ऐसी टेक्निक को अपना सकते हैं। और यहाँ आके हम फार्मर को आते हैं, उनको बताते हैं, देखिए आप हमने इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है, कोई इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है, तो आप क्रॉप देख लीजिए, और फार्मर देख के इससे कन्विंस होकर फार्मर इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी अपना सकते हैं। इसके साथ साथ ही आगे हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही जी आगे हमने एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक टेक्निक है, उसमें ऐसा है कि है तो थोड़ा ये टेक्निकल, लेकिन इसमें है कि हमारे रिसोर्सेज की जो है बचत होती है। रिसोर्सेज में जैसे इस टेक्निक में ऐसा है कि एक तो सीड कम लगता है, सीड कम लगेगा फार्मर का वहाँ खर्चा बचता है, दूसरा इसमें 30-35% पानी की सेविंग हो जाती है। पानी की सेविंग होना एक, पानी के ऊपर तो बहुत बात चल रही है कि जो भी हम करें, जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ करें उनको एफिशिएंटली यूज़ करें, इसमें उसको हम पानी को भी एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो यील्ड है ऑर्गेनिक में भी, अब इसका जो हम इनऑर्गेनिक में लेते हैं या केमिकल फर्टिलाइज यूज़ करके हम करते हैं, उससे ज़्यादा इसका हमें जो है यील्ड मिल रहा है। तो फार्मर इस टेक्निक को भी अपना सकता है, ख़ास करके वो फार्मर जिनकी जो फैमिली साइज़ है जी वो छोटा है, ज़मीन उनके पास अगर थोड़ी कम है, तो वो ऐसी टेक्निक को अपना के ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा ले सकते हैं। ये हमारा ये SRI वाला प्लाट है जो हमने ऑर्गेनिकली विदाउट यूज़ ऑफ केमिकल्स, हमने इसमें गोबर का खाद यूज़ किया है, काउ यूरिन का स्प्रे हम इसमें करते हैं, हम इसमें नीम ऑयल, नीम के का यूज़ करते हैं, वो करके हमने इसको किया, इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं हमने डाला हुआ है। इसके बाद जो हमारा आगे है, आगे हमने एक INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर है हमारा, हमने एक कंपैरिजन करा हुआ है कि एक फार्मर जो हमारी कन्वेंशनल टेक्निक है, कन्वेंशनल में मींस कि आप धान लगाने हैं, आपको नर्सरी लगानी है, नर्सरी लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसको मेन फील्ड में पडलिंग भी करनी है, नर्सरी को अपरूट करना है, अपरूट करके मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करना है, उसमें कितनी लेबर लग जाती है, उसको क्या एक तरीका है कि डायरेक्ट सीडेड राइस और SRI टेक्निक से हम क्या करते हैं कि कम से कम उसमें जो है लेबर जो है उसका हम इस्तेमाल करें और हमारा जो यील्ड है वो बराबर आए। उसमें ऐसा है कि फार्मर की इनकम बढ़ाने के कुछ तो तरीके और भी हैं, अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आएँ, हर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं हमारी, अगर हम कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम करके और यील्ड जो है वो उसको सेक्रीफाइस ना करें, तो वो भी एक बड़ी अच्छी टेक्निक है जिसमें कि फार्मर जो है हमारा वो अपनी आमदन बढ़ा सकता है। दूसरा ये है, आप जो है फार्मर की अगर हमें कास्ट ऑफ कल्टीवेशन थोड़ी बढ़ती हुई है तो यील्ड भी हमारा प्रोपोर्शनेटली बढ़े, तो ऐसी टेक्निकें भी हम अपना के फार्मर को कन्विंस कर सकते हैं। ये हमारा जो फील्ड है ये है जहाँ हमने कन्वेंशनली राइस लगाए हुए इंटीग्रेटेड, मतलब इसमें हमने ऑर्गेनिक्स भी यूज़ किए हैं, इनऑर्गेनिक्स भी यूज़ किए हैं, और इसी के कंपैरिजन में हमारे साथ ये नेक्स्ट फील्ड है, ये आप दूसरा देख रहे हो, ये हमने SRI टेक्निक से किया हुआ है। एक ही वैरायटी है, डेट ऑफ सोइंग इनकी एक है, तो आप दोनों में कंपैरिजन देख लीजिए, कोई खास फ़र्क नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें हम पानी की सेविंग कर सकते हैं, सीड की सेविंग कर सकते हैं, और हमारा यील्ड अगर आप दोनों को कंपैरिजन देखें तो यील्ड हमारा इससे बेटर होगा इसमें। अब हमारे पास जो आगे है, आगे हम डायरेक्ट सीडर राइस किया है, जो मैं पीछे आपसे बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सीडर राइस में क्या है कि हम इसमें जैसे वीट को लगाते हैं, धान को लगाते कण को लगाते हैं, उसी तरीके से हम धान को लगाते हैं। हमने यहाँ वीट वाली सीड ड्रिल यूज़ की है, उस सीड ड्रिल से हमने ये जो प्लाट आप देख रहे हो ये हमने उससे लगाया हुआ है, तो इससे क्या है कि हमें डायरेक्ट हमने जो सीड है सीड ड्रिल से जैसे गंदम को लगाते हैं वैसे हमने इसको लगा दिया है, और आप इसमें देखो कि हमारी इस क्रॉप की ग्रोथ और वो जो सामने वाली है वो हमने कन्वेंशनल टेक्निक से लगाई हुई है, ऑलमोस्ट दोनों की एक जैसी स्थिति है। और इसमें हमें ऐसा कि हमें 5-6 हज़ार पर हेक्टेयर का खर्चा बच जाता है। अगर फार्मर को कोई ऐसी टेक्निक दी जाए जिससे उसे 5-6 हज़ार का खर्चा बच जाए
उसका, और जील्ड हमारा उतना ही रहे जितना जो उसकी अपनी टेक्निक है, जो हमारी कन्वेंशनल डिग्री ले तो फार्मर उसको अपना सकता है और बड़े आराम से। और आने वाले टाइम में लेबर स्केर्सिटी तो है ही है, तो लेबर स्केर्सिटी में ऐसी टेक्निक्स का अपनाना जो है वो फार्मर के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद हमारे आगे यूनिवर्सिटी ने जो शोध करके नई नई वैराइटीज़ निकालती हैं उसमें ये हमारी दो न्यू इंट्रोडक्शंस हैं, बासमती 123 और बासमती 118। ये अंडर टेस्टिंग चल रही है अभी वैराइटी, और अब आप इनकी अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये भी वैराइटीज़ हमारी बहुत अच्छी है। और ये जो हमारी यहाँ की आरएसपुरा की बासमती 370 जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की बासमती है, उसी में से ये सिलेक्शन की हुई हैं और ये भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। थोड़े भी समय में हम फार्मर को ये वैराइटीज़ ये दोनों देने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मेज़ है, मेज़ की हमने डबल डिकॉल्व एक वैरायटी लगाई हुई है मेज़ की। तो एक्चुअली क्या है कि ये वैरायटीज़ ऐसी हैं इनका पोटेंशियल जो है 60 क्विंटल से ऊपर पोटेंशियल है पर हेक्टेयर का। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे इस मेज़ क्रॉप को तो हर प्लांट के ऊपर आलमोस्ट दो दो कॉब्स लगे हुए हैं। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर देन 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो हम फार्मर्स को ये भी करें कि जहाँ हमारे जैसे सब ट्रॉपिकल बेल्ट में कहीं अपलैंड्स हैं जहाँ पानी की थोड़ी किल्लत है वहाँ, और लाइट सॉइल्स हैं वहाँ, फार्मर को हम कहते हैं कि आप वहाँ मेज़ भी लगा लीजिए, और जो लो लाइंग एरिया वहाँ पर राइस लगाइए। अदरवाइज़ हिली एरियाज़ में तो फार्मर मक्की लगाता ही लगाता है। और यहाँ हमने ये डिस्प्ले किया है कि फार्मर को दिखाने के लिए भाई जो वैरायटी है जो उसका पोटेंशियल है वो जो है वो हमने दिखाया हो कि वाकई वैरायटी जो है उतना दे रही है ये, तो इससे फार्मर यहाँ के कन्विंस होते हैं वाकई। और प्रॉपर हमने इसके जो है जो पैकेज लगाई हुई है, अगर आप इसको देखोगे तो हमने पूरा लाइन टू लाइन डिस्टेंस इसका रखा हुआ है, आप देख लीजिए 75 सेंटीमीटर पे हमने रखा हुआ है डिस्टेंस इसका, और प्लांट टू प्लांट हमने 20 से 25 सेंटीमीटर रखा हुआ है। और अगर आप क्रॉप देखोगे इस वक्त आप तो ऑलमोस्ट मैच्योरिटी पे क्रॉप आ रही है और बहुत बढ़िया क्रॉप है, और हम वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 60 क्विंटल्स पर हेक्टेयर फ्रॉम दिस मेज। टेक्नोलॉजी पार्क में तैयार की जा रही विभिन्न किस्म की दलहन फसलों के बारे में डॉक्टर एपी सिंह ने जानकारी दी। सर, टेक्नोलॉजी फार्म का ये जो हिस्सा है इसमें कौन सी फसल लगी हुई है और इसकी क्या खासियत होगी और इसमें कितनी फसल होने की आपको वो है ये बताइए हमें। टेक्नोलॉजी पार्क में ये हमने उड़द की फसल लगाई हुई है और इसमें जो वैरायटी का हमने इस्तेमाल किया है वो पंत उड़द 31 वैरायटी है जी। तो ये पंतनगर से रिलीज़ हुई वैरायटी है और इसकी खासियत ये है कि ऑल इंडिया रिलीज्ड वैरायटी है, ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और इसकी खासियत ये है कि जो इसका यील्डिंग पोटेंशियल है मतलब इसका उत्पादन देने की जो क्षमता है वो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से ये उपज दे सकती है, देने का मादा रखती है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब हम धान और गेहूँ फसल चक्र की बात करते हैं क्योंकि दोनों ही धान्य कुल की फसलें हैं और वो बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों को ज़मीन से लेती हैं, तो इसके चलते क्या होता है कि हमारी ज़मीन में उर्वरक या जो पोषक तत्वों की वो कमी होती जाती है। तो इसीलिए भारत सरकार की ओर से और हमारी स्क्वास यूनिवर्सिटी की ओर से ये एक किसानों को हिदायत दी जाती है और ये प्रयास रहता है कि धान और गेहूँ के फसल चक्र में हम जो कम अवधि वाली जो दालों की फसलें हैं उनको कैसे उसमें पिरोएं ताकि हमारी जो ज़मीन की जरखेजियत है या उर्वरा शक्ति है वो भी कायम रहे और हमें एक एडिशनल जो फसल है दालें हैं वो भी मिल सकें। तो उड़द की फसल हमने लगाई हुई है और इसकी खासियत साथ साथ में ये है कि ये बहुत एबायोटिक और बायोटिक जो हमारे स्ट्रेस हैं, मेरा कहने का भाव ये है कि जितनी भी इसमें आम तौर पे दालों में जो बीमारियां आती हैं या कीड़े लगते हैं ये उनसे उनके प्रति काफ़ी हद तक रोधिता रखती है। और किसान अगर इसको लगाएं बरसात के मौसम में या गर्मी के मौसम में समर के सीज़न में लगाएं तो इससे इसमें कोई शक नहीं है, निसंदेह इसमें से ज़्यादा वो लाभ कमा सकते हैं। इसके आगे जो है उसके वो क्या चीज़ है और वो उसके बारे में थोड़ा सा जी। वो हमने अरहर की फसल लगाई हुई है, यहाँ
लोकल भाषा में इसको पांगर भी कहते हैं। और इसमें जो हमने वैरायटी लगाई है UPAS 120 से मुराद ये है कि ये ठीक 120 दिन में बीज से बीज का जो इसका चक्र है वो पूरा हो जाता है, लगाने से लेकर बीज बनने तक 120 दिन लेती है। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस अरहर की वैरायटी की भी ये खासियत है कि इसमें जो आम तौर पे दालों में जो बीमारियाँ या कीट पतंगे आते हैं उनका दुष्प्रभाव इसमें नहीं होता है। और ये जो अरहर की फसल है ये भी आपको 4 से 6 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर की दर से जो उत्पादन देने का मादा रखती है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर के एस रिसम ने इस संबंध में कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे किसान एक्सपोजर विजिट में और दूसरे तरीके से भी यहाँ आते हैं ताकि उनको सही जानकारी मिले कुछ फसलों के बारे में। तो इसी सिलसिले में जैसे अभी खरीफ सीज़न चल रहा है, खरीफ की जितनी भी फसलें हैं वो इस टेक्नोलॉजी पार्क में हमने अभी लगाई हुई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा धान जो है वो भी लगी हुई है, और उसमें हमने कोशिश ये की है कि हम डिफरेंट वेराइटीज़ को दर्शाएँ, डिफरेंट टेक्नोलॉजी जैसे वो कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे SRI है, डायरेक्ट सीडेड राइस है, और साथ में आजकल ऑर्गेनिक की बात काफ़ी हो रही है तो ऑर्गेनिक राइस प्रोडक्शन के बारे में भी हमने यहाँ जो है डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है ताकि लोग देखें कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी कैसी अच्छी हो रही है और वो इसको अपना कर लाभ लें। जहाँ तक दूसरी फसलों का सवाल है, हमने यहाँ पे मक्का भी लगाई हुई है जो कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है और वैरायटी उसकी डबल डिकाल्प है, और इसके साथ साथ में दालों की भी हमारी काफ़ी ज़रूरत है और उसमें हमने जो है एक तो माश लगाया हुआ है और दूसरा जो है पिजन पी भी वहाँ लगाई हुई है, जिसको देख के किसान जो है इन फसलों को भी अपना सकते हैं और अपने खेतों में उसको लगा के फायदा ज्यादा ले सकते हैं। जेके अपडेट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडिया हाउस इन J&K विद 1.5 करोड़ मंथली व्यूज। जेके अपडेट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइज योर ब्रांड्स एंड सर्विसेज। इफ यू वांट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर मिस्टर सुशील शर्मा 705-109-18। जेके अपडेट अपडेट रहे हमारे साथ।